नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं जीके एचएम। आज है 8 जुलाई 2018 और आज की तारीख में जितने भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आप आज के आने वाले सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा था कि 6 जुलाई को किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक के कप, गिलास और पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का वह प्रथम शहर है जहां सभी स्वास्थ्य केंद्र 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। तो इसका एक नंबर ऑप्शन है जयपुर, दो नंबर ऑप्शन भोपाल, तीन नंबर सूरत और चार नंबर अहमदाबाद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सूरत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सूरत जिले में 52 स्वास्थ्य केंद्र है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा करण बनाने की कुल लागत का 75% राज्य सरकार द्वारा और 25% जिला पंचायतों द्वारा वहन किया जाता है। एक बात और, सूरत देश में हीरा कारोबार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है भारतीय जल सेना और डी ऑप्शन है भारतीय थल सेना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इसरो। तो दोस्तों, इसरो द्वारा क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो मैं आपको इसरो की फुल फॉर्म बता देता हूं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, नारला बांबल गांव जो कि राजौरी जिले में है, जो देश का आखिरी वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिजली प्राप्त करने वाला पहला गांव बन गया है, किस राज्य में है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, नारला बांबल पहला ऐसा गांव बन गया है जिसको स्वतंत्रता के बाद पहली बार बिजली प्राप्त हुई है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में वह केंद्रीय एजेंसी जिसने जीएसटी वेरीफाई नामक मोबाइल सेवा शुरू करी है, इसका ए ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी ऑप्शन है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सी ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी और डी ऑप्शन है जीएसटी इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, यह एप्लीकेशन जीएसटी एकत्र करने वाले व्यक्ति या कंपनी के विवरण प्रदान करता है जो उपभोक्ता को उन धोखेबाजों से कर के रूप में दिखाई गई राशि को बचाने में मदद प्रदान करेगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पशु जगत को व्यक्ति के समान कानूनी दर्जा दिया है। तो इसका ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो दोस्तों, इस प्रश्न में बात आई है उत्तराखंड की। तो मैं आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहां के राज्यपाल है कृष्णकांत पाल। यहां के राज्यपाल है कृष्णकांत पाल और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। आज का छठा प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पहली बार एक एसी मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी कि मेमू ट्रेन को शुरू किया है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। यह पहली ट्रेन किस राज्य में चलेगी। तो इसका ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह पहली मेमू ट्रेन
महाराष्ट्र के नागपुर जिले के में 60 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। यह है महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 60 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, 7 जुलाई 2018 को जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 योजनाओं की आधारशिला रखी है, इनकी स्वीकृत राशि कितनी है? इसका ए ऑप्शन है 2500 करोड़, बी ऑप्शन है 2300 करोड़, सी ऑप्शन है 2100 करोड़ और डी ऑप्शन है 2200 करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2100 करोड़। चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है दलबीर भंडारी, बी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है दीदार सिंह गिल और डी ऑप्शन है नरसिंह राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दीदार सिंह गिल। दोस्तों सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयुक्त के रूप में भारतवंशी और बौद्धिक संपदा मामला के वकील दीदार सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दीदार सिंह गिल ड्रू एंड नेपियर LLC के बौद्धिक संपदा विभाग के MD के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। आज का नौवां प्रश्न है, हाल ही में इनमें से किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन पाकिस्तान और डी ऑप्शन है भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाक को आतंकियों को मिल रहे वित्तीय संसाधनों पर रोक लगा पाने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। आज का दसवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह कब से लागू होगा? तो इसका ए ऑप्शन है 10 जुलाई 2018, बी ऑप्शन है 15 जुलाई 2018, सी ऑप्शन है 18 जुलाई 2018 और डी ऑप्शन है 20 जुलाई 2018। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15 जुलाई 2018। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। तो यह है दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट में अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है? तो इसका ए ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सी ऑप्शन है विराट कोहली और डी ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे तथा सामने के बेल आइकन को दबा देवे, जिससे कि रोज आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।